अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन वोकल्स। और आज हम थर्ड ईयर के लिए जो है लेकर आए हैं, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि जनरल मेडिसिन की काइंडली आप बता दें मार्किंग्स। तो आज आप इन्फेक्शन से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मेडिसिन का जो क्वेश्चन आएगा, जब भी आएगा, ये आप जहन में रखिए कि थोड़ा सा सिनेरियो बनाया होगा, स्टेटमेंट में सब के सब क्लिनिकल फीचर्स दिए होंगे, नीचे डायग्नोसिस पूछा होगा, पाँच ऑप्शन दिए होंगे, आपके SCQ भी इसी तरीके से आएगा, ऊपर क्लिनिकल फीचर्स दिए होंगे, एक दो इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स दिए होंगे और नीचे आपसे पूछा होगा क्या है। मेरे साथ आप ये करते रहें, इस मार्किंग के साथ साथ मैं आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स भी देता जाऊंगा। यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब तो कर दो नीचे पहले, थैंक यू सो मच। इसमें सबसे पहले आपने देखना होता है उसकी क्लिनिकल फीचर, उनको आपने याद कर लेना होता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, वो क्लिनिकल फीचर याद करके फिर उससे आपने डायग्नोसिस खुद बनाने होते हैं, ठीक है। ये देखिए ना ज़रा, फीवर जो होता है वो एलिवेटेड कोर बॉडी टेम्परेचर, ये आपको पता है 38 से ज़्यादा हो जाए, इन्वेस्टिगेशंस में ये चीज़ें आती हैं। मैनेजमेंट इसकी क्या होती है, पैरासीटामोल, ठीक है, और रिप्लेसमेंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब मेडिसिन की आपने यार इतनी टेंशन नहीं लेनी, मेडिसिन में जस्ट आप जैसे मेडिसिन दे रहे हो ना पेशेंट को, आपने समझना है कि ये मेरे पास हर डिजीज़ जो आ रही है ये हर पेशेंट आ रहा है, ठीक है। तो उसकी क्लिनिकल फीचर आपको जैसे ही बताएगा नीचे उसका डायग्नोसिस पता है तो उसकी मैनेजमेंट ज़्यादातर सिम्टोमेटिक तरीके से यूज़ होती है, तो आपने सिम्टोमेटिकली ज़रा इसको चलना है। अच्छा, अक्यूट डायरिया और वोमिटिंग की हमने ये लिख ली थी, ठीक है, ये आप ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके ये मैं आपको ज़रा फोकस करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ये क्लिनिकल फीचर्स इसके हैं, ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी डायरिया की, ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी डायरिया की इंक्रीज हो, जो ब्लड प्रेशर आ जाता है, टेनिसमस वगैरह आ जाता है इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। स्किन टर्गर और पल्स वगैरह चेक करवाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, ब्लड एंड यूरिन कल्चर करवाते हैं। मैनेजमेंट इसकी है फ्लूड रिप्लेसमेंट है विद इलेक्ट्रोलाइट्स, और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देते हैं, एंटी डायरियल एजेंट्स देते हैं। बस ये आप याद कर ले, पूरा अक्यूट डायरिया वोमिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये। फिर उसके बाद ये मीजल्स का देखें आप, बजाय के पूरा पढ़ें, ठीक है। ये हमने एक निकाल के रख लिया था, मीजल्स के क्लिनिकल फीचर देखें ज़रा, फीवर, रैश, मेलेस और अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस आ जाता है, कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स आ जाते हैं, लिम्फेडिनोपैथी आ जाती है, डायरिया, मैक्यूलो पॉपुलर रैश, ठीक है, और फेस की एक्सट्रीमिटीज़ में स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। इंक्यूबेशन 6 to 19 days इसका होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस देख लें, कॉम्प्लिकेशंस में ओटाइटस मीडिया, बैक्टीरियल नमोनिया, ठीक है, ट्रांजिएंट हेपेटाइटस, इंसेफलाइटिस वगैरह वगैरह। मैनेजमेंट क्या है इसकी, वैक्सीनेशन, ठीक है जी, और इसके अलावा वाइटामिन ए इनटेक कर लें, एंटीबायोटिक्स ले लें फॉर बैक्टीरिया कॉम्प्लिकेशन डायग्नोसिस। इसका जो है क्लिनिकल साइंस, सीरम IgM इंक्रीज हुआ होगा, सलाइवरी IgM भी इंक्रीज हुआ होगा। रुबेला जो है रेस्पिरेटरी, इसके क्लिनिकल फीचर हैं फीवर, मैगुलोपॉपुलर रैश, लिम्फेडिनोपैथी, कंजेनिटल डिफेक्ट, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपेटाइटिस, एनसेफलाइटिस, हेमरेज, आर्थराइटिस, डायबिटिस मेलिटस, ठीक है। ये भी एक UQ था रुबेला का, जर्मन मीजल्स भी इसको कहा जाता है, पर वो वायरस B19, ठीक है। इसकी क्लिनिकल फीचर्स देख ले, प्रोडोमल फीवर होगा और स्लैब चीक रैशेज होंगे, ये इससे कुछ जो होते हैं ना वो बड़े की होते हैं क्लिनिकल फीचर, जैसे कि स्लैब चीक हो गया, ठीक है, और ट्रांजिएंट ब्लॉक इन एरिथ्रोपोइसिस, और डायग्नोसिस इसका कैसे करते हैं, IgM IgG टेस्ट करवाते हैं, और ट्रीटमेंट इसका क्या है, सेल्फ लिमिटिंग मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, एनीमिया रिक्वायर्स ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, और फिटल ट्रांसफ्यूजन, चिकन पॉक्स, ठीक है, वेरिसेला भी इसको आ जाता है, और क्लिनिकल इसके फीचर देख लें, इंक्यूबेशन 11 to 20 days, ठीक है, और इसके अलावा रैशेज आएंगे इन यूरिन फ्रॉम विद इन द 2 to 4 days, सेंट्रिपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस इसकी ये देख लीजिएगा, सेरिबेलर एटॉक्सिया, इंसेफलाइटस, ठीक है, नेमोनाइटस, हेपेटाइटस, CNS एंड आई लिम डिफेक्ट। ये आपको इसमें इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे, आपका टाइम भी ज़ाया होगा थोड़ा थोड़ा, तो ये जस्ट आप ये याद कर लें, इसके क्लिनिकल फीचर याद करेंगे, आपको डायग्नोसिस उसके साथ जब आपको याद होगा तो आप पता लग जाएगा इसका ये डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस आता हुआ ट्रीटमेंट आप बना लेंगे। यही चीज़ें यार मेडिसिन में चल रही हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। फिंगर्स में बर्निंग डिस्कम्फर्ट आ गया, डिस्क्रीट वेजिकल्स, क्लिनिकल इसके फीचर एग्जॉस्ट, और इसके अलावा ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ फिफ्थ नर्व कैन आल्सो अफेक्ट हो सकती है, कॉर्नियल इंसुलेशन हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरलजिया, और बाकी इसकी ए साइक्लोवीर की अर्ली थेरेपी की जाती है एग्रेसिव एनल्जीजिया में, और एमिट्रीडाइलिन 25 to 100 mg डेली देनी है आपने, ठीक है, गाबामेंटिन। आगे मीजल्स UQ आ गया अगेन, बायलेटरल
स्वेलिंग ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड्स है, क्लिनिकल फीचर में क्या आ गया, टेंडर इनलार्जमेंट ऑफ पेरोटिड, पायरेक्सिया, हेडेक, सीएसएफ, लिम्फोसिटिक प्लियोसाइटोसिस, ठीक है जी, कॉम्प्लिकेशन में मेनिनजाइटिस, एनसेफलाइटिस, ईसीजी, पैंक्रियाटाइटिस और एथराइटिस, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, आईजीएम, आईजीजी करवाएंगे और इसका ट्रीटमेंट एमएमआर वैक्सीन है जी, जी जी इन्फ्लुएंजा को आपने रीड मारना है, इसके भी क्लिनिकल फीचर यहाँ पे लिखे हैं, पल्मोनरी इन्फेक्शन, मायोसाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, न्यूरोलॉजिकल रे सिंड्रोम और डायग्नोसिस इसका देख लीजिए, वायरल एंटीजन और आरएनए सीरोलॉजी, इन्फेक्शंस, मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्शंस के क्लिनिकल में प्रोड्रोम ऑफ द फीवर, हेडेक एंड मलेज, फरेंजाइटिस, टॉन्सिलर एक्सुडेट्स, स्प्लीनोमेगैली होती है क्लिनिकल फीचर्स में, पेटिकुलर एरिथमास होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, ए टिपिकल लिम्फोसाइट्स होते हैं, पेंसिलिन इफ कॉज रैश, ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, पेंसिलिन इफ कॉज रैश एंड देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, साइटोमेगैलो वायरस में क्लिनिकल हेपेटोमेगैली मोस्ट कॉमन होती है इसके अंदर, ठीक है ये आपने नोट डाउन कर लेना है, कॉम्प्लिकेशन में गुलियर्स बेयर सिंड्रोम, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मायोकार्डाइटिस, इन्वेस्टिगेशन, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, ठीक है जी, और अमीनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में ज़्यादा इसकी वर्स कम्प्लिकेशन होती है, हेपेटाइटिस, एसोफेगाइटिस वगैरह, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में अबनॉर्मल एल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज हुआ होता है पीसीआर, और इसकी मैनेजमेंट में वल्गेनसाइक्लोवीर और वल्गेनसाइक्लोवीर, ठीक है, 5 mg पर kg IVBD देनी है, यानी कि सुबह शाम और 14 डेज के लिए। डेंगी वायरस के सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स में ना आपने ये कर लेना है, अक्यूट ऑनसेट में क्या होता है, फीवर, बैक एक एथ्रेलजिया होता है, ब्रेक बोन फीवर होता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, एमसीक्यू आता है, और फीवर जो है वो कंटिन्यूस और सेटल बैक होता है, रैशेज अपियर हो जाते हैं, फ्लशिंग फेंट, मैकुलर रैश फर्स्ट 2 डेज में ही अपियर हो जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद पेटिकिया ऑन द एक्सटेंसिव सर्फेसिस पे अपियर होते हैं, कॉम्प्लिकेशन में डेंगी हेमरेजिक या UQ है, ठीक है, और डेंगी शॉक सिंड्रोम, हेपेटाइटिस, नर्व पॉलिसिस वगैरह वगैरह। डायग्नोसिस कैसे इसको किया जाता है, डायग्नोसिस कैन बी कंफर्म बाय द सीरो कन्वर्जन IgM और फोर फोल्ड राइज इन द IgG एंटीबॉडी, ठीक है जी, PCRs वैसे करवाते हैं, एलिसा टेस्ट। मैनेजमेंट में इसकी किया है जी, फ्लूड रिप्लेसमेंट, ये आपको पता ही है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, असल एक्चुअल ट्रीटमेंट इसका नहीं है, एस्पिरिन अवॉइड किया जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है इसकी वजह से, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैज बीन शोन टू हेल्प। आगे आ जाओ, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस आ गया, ठीक है जी, कॉज द ट्रांजियंट म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन ऑफ हेड एंड नेक के क्लिनिकल जिनजेवो स्टोमेटाइजर फ्रेंजाइटिस, ठीक है, और ये हो जाता है, ठीक है, और इसके अलावा रिकरेंस होती है अमीनो सप्रेशन से स्ट्रेस की वजह से और अल्ट्रावाइट एक्सपोजर की वजह से, कोल्ड शोर ये आ गया अगेन इसका क्लिनिकल फीचर, और फिर आगे इसकी कम्प्लिकेशन देख लीजिए, एक्जिमा और एक्जिमा हर्पेटिफॉर्म, हर्पेस केराटाइटिस, ठीक है, ब्लनिंग ऑफ द विजन हो जाती है, सेरेब्रल इन्फेक्शन, बेल्स पाल्सी, और ट्रीटमेंट इसका फोसर्निट और एक साइक्लोवीर, फोसर्निट जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इसका। अच्छा, स्टेफलोकोकल इन्फेक्शन आपने रीड कर लेने हैं, ये व्हील्स डिजीज आगे UQ है, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, इसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, और रिनल इम्पेयरमेंट हो जाती है इसके अंदर, हेमरेजिक हो जाते हैं, फीवर्स हो जाते हैं, जॉइंटस हो जाता है, लिवर इनलार्ज हो जाता है और रिनल फेलियर हो जाता है। इसकी मैनेजमेंट और प्रिवेंशन जो है, इसमें पेंसिलिन जो है वो 900 mg 4 times डेली आपने देनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 2 times देनी है सुबह शाम, यूवाइटस जो है वो इसी तरह ट्रीट किया जाता है। आ गया टाइफाइड, टाइफाइड भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आम होता है इधर, इसके क्लिनिकल फीचर्स में देख लीजिए, आपको हेडिक हो जाता है, ड्राउजीनेस फील होती है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, स्टेप लैडर पैटर्न में, ठीक है, ये एक MCQ है, 10 to 14 days के लिए इनक्यूबेशन इसका पीरियड होगा, ठीक है, और इसके बाद अराउंड 7 to 10 days स्प्लीन जो है वो पाल्पेबल हो जाती है, इसी तरह कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, क्लिनिकल फीचर ये नीचे भी लिखे हुए हैं सारे, आप देख लीजिएगा, रोज स्पॉट्स ऑन द ट्रंक एंड, ठीक है, स्प्लेनोमेगैली, डिलिरियम वगैरह, और इसकी कॉम्प्लिकेशन में पेयर्स पैचेस, ठीक है जी, बन जाते हैं, पेयर्स पैचेस आ जाते हैं ड्यूरिंग एंड ऑफ द सेकेंड वीक, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है नॉर्मल, आप देख लीजिए, परफोरेशन, हेमरेज, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, कोलेसाइटिस, मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस वगैरह, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में वाइट ब्लड सेल काउंट चेक करते हैं इसके अंदर, ठीक है, और ब्लड कल्चर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोस्टिक मेथड होता है। मैनेजमेंट क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, एम्पीसिलीन को ट्राइमोक्सासोल, ठीक है जी, 2 tablets, और इसके बाद फ्लोरोक्विनोलोनज आर द ड्रग ऑफ द चॉइस, ठीक है जी, ये इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है, एजिथ्रोमाइसिन अल्टरनेटिव ड्रग होती है, कंटिन्यू फॉर द 14 डे, कोलेसिस्टेक्टोमी नेसेसरी है इसके अंदर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, जल्दी से वाइंड अप कर दे, कॉलरा, ये कॉलरा की तरह आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है,
ये ज़रा पॉज करके यहाँ पे लिख लीजिए आप पॉइंट्स, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने 3 4 दफ़ा पढ़ के फिर निकाले थे, ये वो पॉइंट्स हैं। डिसिलरी डिसेंट्री, ये आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। ठहरे मैं आपको फोकस कर देता हूँ। फिर ये देखिए डिप्थेरिया, इसके आप नोट डाउन कर लीजिए। मलेरिया, मलेरिया इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ये टाइप्स, सबसे पहले इसके नाम देख लीजिए, इसकी पैथोजेनेसिस आप रीड कर लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैथोजेनेसिस पूछते भी नहीं है इतना, ठीक है। ये क्लिनिकल फीचर्स के मैंने अंडरलाइन किए हैं, कफ जॉइंट डस्ट, ठीक है, हेमोलाइसिस, एनीमिया, सेरिब्रल मलेरिया, मलेरिया आ जाता है, ठीक है, कभी कभी, तो ये मलेरिया को आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर, नोट डाउन कर लीजिए आप, ये बल्कि आप मार्क कर लीजिए अपनी बुक पर। ये देख लीजिए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपने इसकी यहाँ से करनी है, ठीक है। ये पॉइंट्स देख लीजिए, पॉज करके इनको मार्क कर लें आप। अच्छा ये देख लीजिए, ये मैनेजमेंट है इसकी, सारों की अपने लिहाज से लिखी हुई है, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने ये फोकस कर देता हूँ आपको। अच्छा दूसरी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कीमो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द मलेरिया, ये डोजेस आपने इनकी उनके साथ करनी है, डोजेस के ये इसकी टैबलेट्स आपने डोजेस के साथ याद करनी है, ठीक है। जैसे देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है मैंने, ये एमीबीएसिस, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, ये भी आप एज इट इज़ की इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट एज इट इज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। स्किस्टोसोमियासिस को स्विमर्स इच भी कहा जाता है। बस जी ये आपकी टोटल मार्किंग्स थी, ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। और दूसरा है कि सब्सक्राइब यार ज़रूर कर देना, नीचे रेड कलर से लिखा है, सो क्लिक करके सब्सक्राइब, जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे और उसमें नेक्स्ट यूनिट की मार्किंग करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, डॉक्टर मुबीन बुकल से, अल्लाह हाफिज़।